हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कला वर्ल्ड। आज हमने बनाया है पुराने जीन से बेबी जंपसूट। इसके लिए हमने जीन्स का ऊपर का पार्ट अलग कर लिया है और नीचे का पार्ट अलग कर लिया है। हम नीचे के पार्ट से जंपसूट बनाएंगे। अब हमने दोनों पार्ट्स खोल के एक के ऊपर एक रख लिए हैं। अब हम दोनों पोर्शन को फोल्ड कर लेंगे। जंप सूट के ऊपर के पार्ट के लिए हम 5 इंच का मार्क करेंगे। और लंबाई में 7 इंच का। अब इसे हम शेप दे देंगे। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे हम 7 इंच पे। आसन के लिए मार्क करेंगे 8 इंच पर। लेंथ लेंगे हम 21। फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब आसन से हम हल्की सी शेप देते हुए कट कर देंगे। ये देखिए हमारी कटिंग तैयार है। अब दोनों साइड से हम स्टिच कर देंगे और आसन वाला पार्ट भी स्टिच कर देंगे। जंप सूट में पॉकेट लगाने के लिए हम जीन्स की पॉकेट के अंदर वाला पार्ट लेंगे जो कि डार्क कलर का है। अब हम जंप सूट का सेंटर पॉइंट लेके उसमें पॉकेट अटैच कर देंगे। अब जंप सूट के नीचे के पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे। साइड के पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे और ऊपर के पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम जंप सूट के स्टेप तैयार करेंगे। जीन्स के नीचे का जो पोर्शन बचा था उससे हम स्टेप बनाएंगे। ये हमने सीम अलाउंस लिया है। उसके बाद हम 7 इंच की लेंगे और नीचे से हम बटन के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हम जंप सूट के बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे और आगे के पार्ट में हम बटन लगाएंगे। ये देखिए जंप सूट रेडी है। बेबी जंप सूट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हमने फैब्रिक पेंट कर दिया है।